हेलो एवरीवन वेलकम बैक नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू पाई बैक इंक्लूडिंग पार्टली पेड अप वैरायटी तो पार्टली पेड अप वैरायटी में हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे कि पार्टली पेड अप अगर आपके क्वेश्चन में लिया होगा तो हमने इससे पहले वर्किंग नोट्स सीखा था कि हाउ टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स पार्टली पेड अप इंफॉर्मेशन सो नाउ इफ पार्टली पेड अप पॉइंट अपराइजेज इन द क्वेश्चन हाउ टू प्रीपेयर द वर्किंग नोट हाउ टू ड्राफ्ट द जरल एंट्रीज एंड एंड हाउ टू फ्रेम द बैलेंस शीट ऑल दिस पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू सी इन मच डिटेल इन द्वेश्चन तो सारे पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं द बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन पॉजेज फॉलोज वी हैव दी इक्विटी शेयर गिवन इन द्वेश्चन सिक्सटीन लैक इक्विटी शेयर ऑफ टेन यू कैन चेक एट रुपीज पेडअप इज गिवन दैन द रिजर्व वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हमारे पास दो यहाँ पे रिजर्व अवेलेबल है टेन परसेंट डिबेंचर्स है हमारे पास टेन परसेंट डिबेंचर्स की वैल्यू है फोर्टी लैक्स और बैंक टर्म लोन की वैल्यू है फोर्टी लैक्स तो हमारे पास दो बोरड फंडस अवेलेबल है एंड द लाइबिलिटी विच वी हैव इज क्रेडिटर्स इफ़ यू मूव टुवर्ड्स दसेट साइड असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है इन्वेस्टमेंट्स है डेटर्स बैंक बैलेंस और स्टॉक तो काफी सारे असेट्स हमारे पास असेट uh, साइड में अवेलेबल है आगे बढ़ते हैं कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट्स द रिक्वायरमेंट्सिम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ रुपीज ट्वेंटी तो ऑफर प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज ऑफर प्राइस तो ऑफर प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल विच इज ट्वेंटी तो आपको पता है हमने पहले भी सॉल्व किया था अगर आपका फेस वैल्यू टेन है और आपकी ऑफर प्राइस कितनी है ऑफ़र प्राइस है आपकी ट्वेंटी तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो तो डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस हमारा होगा प्रीमियम तो यहाँ पे प्रीमियम कितना होगा प्रीमियम यहाँ पे होगा टेन रुपीज तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना तो सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट क्या होता है सोर्सेस का तो अगर हम सोर्सेस का वर्किंग नोट देखें तो अभी हमने पहले ही देखा था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारा फोर्टी लैक्स अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आई थिंक अभी आपको वर्किंग नोट कंफर्टेबल है कि एक्जैक्टली exactly किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ठीक है तो चलो पहला वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू कितनी है वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स देन हमारा सेकेंड है सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू है हमारी फोर्टी लैक्स बस दो ही रिजर्व हमारे पास है तो अभी मैं क्या करने वाला हूं अभी मैं इनको ऐड करूंगा तो अभी हम क्या करेंगे इसको अभी हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करके हमें जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी आवर अल्फाबेट वन तो वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स को अगर वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स और फोर्टी लैक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा वन करोड़ सिक्सटी लैक्स ओके वन करोड़ सिक्सटी लैक्स ट इज योर टोटल सोर्सेस दिस इज योर टोटल इसको हम टोटल नाम दे देंगे और इसको हम अल्फाबेट ए से डिनोट करेंगे A, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट में जाएंगे point number second क्या है हमारा ओन फंड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओन फंड ओन फंड ढूंढना और उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढना उसके लिए एक फॉर्मेट था इफ यू रिमेंबर पहले फॉर्मेटिंग कर लेते इक्विटी शेयर कैपिटल एड Share Then add and and का मतलब जो हमारे पॉइंट नंबर वन में आया वही टोटल अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है हमें क्या करना है हमें फुल्ली अप शेयर्स लेने हैं ठीक है थीके? हमें क्या करना है हमें फुल्ली पेडअप शेयर्स लेने हैं अभी क्वेश्चन में आपको कितने शेयर दिए सिक्सटीन लैक्स सिक्सटीन लैक्स इंटू आपका फेस वैल्यू क्या है टेन तो सिक्सटीन लैक्स को आपको टेन से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा फुल्ली पेड अप की वैल्यू वन करोड़ सिक्सटी लैक्स दिस इज इंपॉर्टेंट यहां पे मिस्टेक होती है क्वेश्चन की वैल्यू मत कॉपी करना प्रेफरेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है तो प्रेफरेंस में लिखूंगा डैश रिजर्व की टोटल अभी आपके पास आई थी ए नंबर में जो रिजर्व की टोटल है वही लिखेंगे वो भी वन करोड़ सिक्सटी लैक्स ही है तो दोनों अगर हम प्लस करेंगे अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट विल बी थ्री करोड़ ट्वेंटी लैक्स तीन करोड़ बीस लाख दिस इज वॉट दिस इज अवर ओन फंड है हमारा ओन फंड ठीक है अब रूल क्या कहना चाहता है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओन फंडर ओन फंड थ्री लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड थ्री लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड का आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढना है और वो आता है एट्टी लैक्स तो ये जो 80 लैक्स मिला दिस इज अवर अल्फाबेट बी आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन तो काफी सारे वर्किंग नोट्स किस तरीके से बनाने हैं हमने ऑलरेडी सीख लिया है देन अगला पॉइंट आता है ओन फंड्स माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ बोरोड फंड्स तो अभी आपका ओन फंड्स देखो कितना है ओन फंड्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है ओन फंड्स है हमारा थ्री करोड़ ट्वेंटी लैक्स तो यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर रहा हूँ थ्री करोड़ ट्वेंटी लैक्स माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ पर बोरोड फंड्स अगर हम बोरोड फंड्स की बात करें तो हमारे पास दो बोरोड फंड्स है क्वेश्चन में अगर हम बोरोड फंड्स देखें तो वी हैव टेन परसेंट डिवेंचर्स इन द क्वेश्चन यू कैन चेक द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली एंड वी हैव बैंक टर्म लोन इन द क्वेश्चन दोनों की वैल्यू फोर्टी लैक्स है तो फोर्टी लैक्स प्लस फोर्टी लैक्स तो ये कितना हो जाएगा एट्टी लैक्स ठीक है मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ध्यान से आप ढूंढोगे तो भी तो डायरेक्ट लिख रहा हूं करोड़ ट्वेंटी लैक्स माइनस फोर्टी लैक्स हाउ डू वी गेट फोर्टी लैक्स फोर्टी लैक्स प्लस फोर्टी लैक्स इज एटी लैक्स उसका फिफ्टी परसेंट ढूंढना है तो इसका आंसर आ जाएगा टू करोड़

उसका 25 परसेंट आपको ढूंढना है वन करोड़ सिक्सटी लैक्स का अगर आप 25 परसेंट ढूंढोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फोर्टी लैक्स तो फोर्टी लैक्स इज द वैल्यू अभी हमें क्या करना है अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने हैं पहले फिर हम ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे कैसे आएंगे फोर्टी लैक्स डिवाइडेड बाय वॉट इज यूर फेस वैल्यू यू कैन चेक द क्वेश्चन फेस वैल्यू इज टेन रूपीज तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे फोर लैक शेयर्स फोर लैक्स शेयर्स की आंसर ठीक है फिर अभी इसका अमाउंट करेंगे अमाउंट ऑफ दिस शेयर्स तो अमाउंट ऑफ दिस शेयर्स हमें कैलकुलेट करना है कैसे करना है फोर लैक्स मल्टीप्लाइड बाय आपकी ऑफर प्राइस ऑफर प्राइस क्या थी ऑफर प्राइस दी थी क्वेश्चन में ट्वेंटी दिया था तो फोर लैक्स इंटू ट्वेंटी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एट्टी लैक्स ठीक है एट्टी लैक्स आने के बाद इसको आपको मार्क करना है अल्फाबेट डी कर अल्फाबेट डी सिंपल रूल है सो ए बी सी डी हमने कैलकुलेट कर लिया तो फोर्थ नंबर का पॉइंट थोड़ा सा लेंदी है ध्यान से समझना इसको अब हम कैलकुलेट करने वाले मैग्जिम बाय बैक उसके पहले एक बार चेक कर लेते हैं ए का वैल्यू वन करोड़ सिक्सटी लैक्स बी का वैल्यू एटी लैक्स सी का वैल्यू टू करोड़ एटी लैक्स और डी का वैल्यू भी एटी लैक्स तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो अगर आप देखो तो सबसे स्मॉलेस्ट है एटी लैक्स दोनों एटी लैक्स में से कोई भी एक ले सकते हैं रूल इज ए और डी विच एवर इज लेस में से आपको डिवाइड करना है ऑफर प्राइस के साथ अगर आप एबीसी में से जो स्मॉलेस्ट है उसको डिवाइड करोगे जैसे अब स्मॉलेस्ट अमाउंट है हमारा एटी लैक्स अगर आप एटी लैक्स को डिवाइड करोगे ऑफर प्राइस ट्वेंटी के साथ तो आपको मिल जाएगा आंसर एंड दैट विल बी फोर लैक फोर लैक एयर्स कैन बी बायर लैख शेयर यह आपका एंसर बन गया दिस इज दू हैिमेम्बर ध्यान रखना फोर लैक्स शेयर कैन बी बाय बैक दिस इज द वर्किंग नोट वी हैप की वर्किंग नोट आप सबको क्लियर रहे बिकॉज वर्किंग नोट हमने बहुत सारे क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया है यू माइट बी कम्फर्टेबल विद द वर्किंग नोट इफ यू आर नॉट जस्ट प्रैक्टिस दिस बिकॉज वर्किंग नोट में और ज्यादा कैल्कुलेशन नहीं है इन स्टेप्स में हमको सॉल्व करना है इसके बाद एक लेवल पेंडिंग रहेगा दैट विल बी आपको क्वेश्चन में ऑफर प्राइज ही नहीं दिया जाएगा तो वेन एवर ऑफर प्राइज इज नॉट गिवन उस केस में भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी कुछ जर्ल एंट्रीज है तो इस क्वेश्चन में पार्टली पेडअप था पार्टली पेडअप है इसलिए हमें क्या करना है दो कॉल के एंट्री कर देखो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री जो है दैट इज कॉल पेमेंट ड्यू एंड सेकेंड एंट्री जो है दैट इज कॉल पेमेंट रिसीव ओके इट्स वेरी सिंपल तो एंट्री नंबर और एंट्री नंबर टू हमने कब करना है जब आपके क्वेश्चन में पार्टली पेडअप दिया था क्वेश्चन uh, में अगर आप देखोगे तो वी हैव टेन रूपीज वैल्यू एट पेडअप इसलिए हमने उसको फुल्ली पेडअप कर दिया बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि पार्टली पेड अप शेयर्स कभी बायबैक नहीं हो सकते उनको फुल्ली पेड अप कर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो ही वो बायबैक हो पाएंगे तो अभी हम करेंगे कैलकुलेशन ध्यान से कैसा है कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है कि एट रुपीज टेन रुपीज में से एट रुपीज पेड किया था तो कितना पेड नहीं किया टू रुपीज का पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है सिंपल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है मल्टीप्लीकेशन कैसा है सिक्सटीन लाख शेयर्स दिए थे सिक्सटीन लैक्स मल्टीप्लाइड बाई आपके टू रुपीस का पेमेंट आएगा अभी तो सिक्सटीन लैक्स इंटू टू करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्टी टू लैक्स सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी मैं लिखूंगा थर्टी टूक्स तो दैट इज दी फर्स्ट एंट्री का अमाउंट नरेशन के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू तो फाइनल कॉल मनी ड्यू थर्टी टू लैक्स और वही आपके सेकेंड एंट्री में भी अमाउंट आएगा थर्टी टू लैक्स दैट इज योअर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड तो जितना आप ड्यू करोगे उतना ही आपको रिसीव्ड करना है तो ये दो एंट्रीज कब आएंगे ये दो एंट्रीज तभी आएंगे जब आपके क्वेश्चन में पार्टली पेडअप होगा अगर पार्टली पेड अप नहीं होगा तो ये दो एंट्रीज आपको करने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन में हमारे ये जो बाकी के एंट्रीज है वो आते हैं दिस इज स्टेप नंबर वन बाय बैक ड्यू ठीक है फिर दिस इज स्टेप नंबर टू दिस इज स्टेप नंबर टू दैट इज एडजस्टिंग प्रीमियम दिस इज स्टेप नंबर थ्री दैट इज क्रिएटिंग सी आर आर एंड दिस इज स्टेप नंबर फोर्थ दैट इज योर पेमेंट या सेटलमेंट ठीक है अभी हम बाय बैक ड्यू का एंट्री पास करेंगे ध्यान से समझना बाय बैक ड्यू का एंट्री कैसे कर रहा हूं तो हमें कितना आंसर मिला था बाय बैक में फोर लाख शेयर आप बाई बैक कर सकते हो तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ध्यान से इसको कैलकुलेट करते हैं देखो फोर लैक्स मल्टीप्लाइड क्या है टेन है. ,00 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी फोर्टी लैक्स ,00 की ठीक है फिर हमने ढूंढा था कि फेस वैल्यू टेन है लेकिन ऑफर प्राइस ट्वेंटी है तो टेन और ट्वेंटी का डिफरेंस कितना है वो भी टेन ही होता है तो प्रीमियम भी हमारा टेन ही आएगा तो सिमिलर फोर लैक्स इंटू टेन तो प्रीमियम भी टेन ही है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा फोर्टी लैक्स प्रीमियम भी तो फोर्टी लैक्स और फोर्टी लैक्स कितना होता है फोर्टी लैक्स और फोर्टी लैक्स होता है एट्टी लैक्स दैट विल बी योर क्रेडिट साइड आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इट्स वेरी सिंपल फोर लैक्स कहाँ से लाया मैंने जो हमने बायपैक का वर्किंग नोट बनाया उसमें हमें लास्ट आंसर मिला है फोर लैक्स फेस वैल्यू इज टेन तो फोर लैक्स इंटू टेन दैट इज फोर्टी लैक्स प्रीमियम इज ऑल्सो सेम टेन फोर्टी लैक्स फोर्टी लैक्स फोर्टी लैक्स विल बी एट्टी लैक्स आगे बढ़ते हैं अब हम जाएंगे हमारे स्टेप नंबर टू में स्टेप नंबर टू क्या होता है हमारा एडजस्टिंग प्रीमियम तो अभी एडजस्टिंग प्रीमियम करेंगे क्या बताया था मैंने आपको जो भी आपका प्रीमियम है वो प्रीमियम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो प्रीमियम जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा फोर्टी लैक्स को हमें यहाँ लेके आना है अभी कैसे फोर्टी लैक्स को एडजस्ट करें तो देखो आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी फोर्टी लैक्स ही बैलेंस है तो हमें फोर्टी लैक्स ही चाहिए तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से इसको यूज करेंगे तो क्या होगा एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर लैक्स फोर्टी लैक्स फोर्टी लैक्स सेम ऊपर का ही अमाउंट यहाँ पे कॉपी करना है तो आपका ये हो गया एंट्री स्टेप नंबर टू का एडजस्टिंग प्रीमियम तो प्रीमियम हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है क्रिएटिंग सीआरआर तो मैंने आपको सी के लिए भी बताया था सी के लिए क्या बेस था सी के लिए जो आपके स्टेप नंबर वन में इक्विटी की अमाउंट होती है वही आपका सी होता है सेम अमाउंट आपका सी होता है तो मैंने देखा तो हमारे पास एक ही रिजर्व है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे अमाउंट तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट दैट इज सी सेम अमाउंट फोर्टी लैक्स तो मैंने एरो मार्क्स किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और जो हमारा लास्ट एंट्री है हमारे लास्ट एंट्री में हमको जो हमारे ड्यू के एंट्री में क्रेडिट साइड में एट्टी लैक्स ,00 है उसको हमें लास्ट एंट्री में लिखना है तो हमारा लास्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू तो बैंक एंड द अमाउंट विल बी एट्टी लैक्स ठीक है एंट्रीज आर वेरी सिंपल ओनली योर एंट्री ऑफ ड्यू शुड बी राइट इफ यूर एंट्री ऑफ ड्यू इज राइट द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द एंट्रीज विल बी ऑब्वियसली राइट

का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है अब हम इसको नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट करेंगे तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इसको कैसे प्रेजेंट करना है और एक बार समझ लेते हैं कि, कि किस तरीके से इसको हमें प्रेजेंट करना है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर वर्किंग नोट ध्यान से समझना बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है नंबर फर्स्ट शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल को अगर हम अंडरलाइन करें और इसके अंदर हम अभी प्रेजेंट करेंगे देखो सबसे सिंपल कैलकुलेशन है आपके क्वेश्चन में इक्विटी की वैल्यू कितनी थी सिक्सटीन लैक्स थी मैं फुल्ली अप वैल्यू ले रहा हूँ ध्यान से कंफ्यूज मत होना फुल्ली अप क्योंकि हमने कॉल किया सिक्सटीन लैक्स थी सिक्सटीन लैक्स शेयर्स थे हाँ बेसिकली सिक्सटीन लैक्स शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं में से आपने बायबैक बैक कितना किया आप बोलेंगे सर बायबैक तो हमने फोर लैक्स किया तो सिक्सटीन लैक्स में से अगर फोर लैक्स आपने बायबैक बैक किया तो आपके पास कितने शेयर्स बचे ट्वेल्व लैक्स शेयर्स बचे यही आपको यहां लिखने हैं सिंपल रूल है ट्वेल्व लैक्स इक्विटी शेयर्स ऑफ रूपीज टेन ईच सिंपल कैलकुलेशन तो विल बी वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स इट बाकी कुछ भी नहीं आपको करना है इसको मैं डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देता हूं हो गया मेरा फर्स्ट कैलकुलेशन इतना ही करना है आपको ठीक है प्रेफरेंस तो यहाँ पे है नहीं नंबर सेकेंड है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस तो अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो सारे रिजर्व लिख के दिखाता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास कितना था सिक्योरिटीज प्रीमियम फोर्टी लैक्स था हमने पूरा फोर्टी लैक्स यूज किया एडजस्टिंग प्रीमियम के लिए तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस था हमारे क्वेश्चन में वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स तो ये वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स में से आपने यूज कर लिया सी के लिए फोर्टी लैक्स ठीक है तो वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स में से फोर्टी लैक्स हमने यूज कर लिया तो कितना बचा तो एट्टी लैक्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में अभी भी बैलेंस है लेकिन एक रिजर्व आपको भूलना नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ध्यान रखना ये रिजर्व को एंड दिस इज कॉल्ड सी तो ये सी का रिजर्व याद रखना आपको लिखना है सी कितने का क्रिएट किया हमने सी क्रिएट किया हमने फोर्टी लैक्स ,00 का ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस बिकॉज ये फर्क ये आप भूल जाओगे तो फिर ये टैली नहीं होगा तो एट्टी लैक्स ,00 और फोर्टी लैक्स ,00 अगर आप प्लस करोगे तो ये भी कितना आता है ये भी आता है वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स ओके दैट्स इट वेरी इजी कैलकुलेशन नॉट सो डिफिकल्ट नंबर थर्ड में जाते हैं नंबर थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म बोरइंग्स लॉन्ग टर्म बोरइंग्स में हमारे दो पॉइंट्स थे वो दो पॉइंट्स एक बार लिख लेते हैं एक है हमारा टेन परसेंट डिबेंचर्स और एक है हमारा बैंक लोन दोनों के दोनों वैल्यू फोर्टी लैक्स थे तो जैसे थे वैसे ही कॉपी कर लो फोर्टी लैक्स फिर फोर्टी लैक्स अगर हम दोनों को ऐड कर ले तो वी विल गेट आंसर एज एट्टी लैक्स दैट्स इट नो चेंज इन दैट ओके चार नंबर का पॉइंट है हमारा ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में हमारे क्रेडिटर्स भी है वी हैव ट्रेड पेबल्स इन द क्वेश्चन एंड ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा हमारा क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्सेस लैक्स इन द क्वेश्चन क्रेडिटर्सिसक्स सेम सिक्सटी लैक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट <coughs> पॉइंट है हमारा फिफ्थ नंबर का फिफ्थ नंबर का है पॉइंट है टैंजिबल फिक्स असेट्स में टैंजिबल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो टैंजिबल में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग है फिर प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है तीनों की वैल्यूज एक एक करके लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है सिक्सटी लैक्स सेम कॉपी करना है आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है अगेन सिक्सटी लैक्स एंड फर्नीचर की वैल्यू है हमारे फोर्टी फोर लैक्स देन यू हैव टू ऐड दिस ये आपको ऐड कर लेना है अगर आप इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर मिलेगा वन करोड़ सिक्सटी फोर लैक्स चलो ये हो गया फिर हमारा सिक्स नंबर का पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे दी है वही मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स थर्टी लैक्स फिर हमारा सेवेंथ नंबर का पॉइंट है इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक इन्वेंट्रीज इज स्टॉक स्टॉक इज 40 लैक्स फिर एट नंबर का पॉइंट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है डेटर्स तो डेटर्स ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है दैट इज नाइन्टी फोर लैक्स मैं टोटल नहीं कर रहा हूं यही यही वैल्यूज ऊपर लिखने ठीक है अभी सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है हमारा बैंक बैंक के लिए क्या रूल है बैंक के लिए रूल है डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस तो आपका डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस आपको करना है बैंक का वैल्यू आप देखो क्वेश्चन में वन करोड़ तो एक करोड़ आपको क्वेश्चन में दिया है जर्नल एंट्रीज में एक बार देख लेते हैं देखो जर्नल एंट्रीज में जो सबसे लास्ट एंट्री हमारा होता है उस लास्ट एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट है एट्टी लैक्स ,00 का ठीक है क्या करना है आपको बैंक अकाउंट क्रेडिट है यहाँ पे एट्टी लैक्स ,00 लेकिन और किसी एंट्री में डेबिट है क्या देखना है तो देखो हम सेकेंड नंबर की एंट्री जो है हमारी सेकेंड नंबर की एंट्री ये सेकेंड नंबर की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है थर्टी टू ,00 तो हमें क्या करना है डेबिट प्लस करना है क्रेडिट माइनस करना है डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस वी हैव टू डू दिस अकॉर्डिंगली एंड सिंस वी हैव टू ऐड डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस यहां पे प्रेजेंट करेंगे वन करोर प्लस वन करोर प्लस थर्टी टू लैक्स माइनस एट्टी लैक्स ठीक है प्रेजेंट कर रहा हूँ वन करोर प्लस थर्टी टू लैक्स माइनस एट्टी लैक्स तो आपको आंसर मिल जाएगा फिफ्टी टू लैक्स अभी हम इसको हमारे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर लेंगे चलो तो फॉर्मेट में अभी प्रेजेंट करते हैं ध्यान से प्रेजेंट करना है आपको शेयर कैपिटल नंबर वन डालूंगा अमाउंट लिखूंगा वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स रिजर्व नंबर टू सेम अमाउंट है वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स इसका टोटल नहीं किया तो चलेगा Number third, long term borrowings. Long term borrowings नंबर थर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का टोटल कितना था हमारा दैट वॉज एट्टी लैक्स फिर चार नंबर ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स का टोटल कितना था हमारा दैट वॉज सिक्सटी लैक्स ठीक चलो अभी इनका टोटल करते हैं सबका ये सभी को अगर आप ऐड करोगे तो आपको टोटल मिलेगा बी करोड़ एट्टी लैक्स तीन करोड़ अस्सी लाख फिर नेक्स्ट पॉइंट टेंजिबल अगर आप टेंजिबल देखो तो टेंजिबल था हमारा नंबर फाइव वन करोड़ सिक्सटी फोर लैक्स फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारा सिक्स नंबर था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने थे हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थे हमारे थर्टी लैक्स ,00 Inventories number seven and that was forty lakhs. Cash and cash equivalent number eight, which we have calculated, and that was fifty-two lakhs. So a b up one crore sixty four lakhs may say one crore sixty four lakhs plus thirty lakhs plus forty lakhs. प्लस हमारा डेटर्स बाकी है ट्रेड रिसीवेबल्स इधर एट नंबर है ट्रेड रिसीवेबल्स एट नंबर यहां पे आ जाएगा नाइन नंबर ट्रेड रिसीवेबल्स इज एट ठीक है ट्रेड रिसीवेबल इज डेटर तो डेटर्स हमारे क्वेश्चन में कितने थे डेटर्स हमारे क्वेश्चन फोर लैक्स सेम नाइन्टी फोर लैक्स आई एम कॉपिंग ओवर हियर फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक था फिफ्टी टू लैक्स अभी अगर आप टोटल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा थ्री करोड़ एटी लैक्स तो यहां पे भी थ्री करोड़ एटी लैक्स और यहां पे भी थ्री करोड़ एटी लैक्स दैट मीन्स अवर बैलेंस शीट इज टैली ठीक है दिस इज द कैलकुलेशन आई होप योर कैलकुलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है लेकिन ध्यान से समझना इस कैल्कुलेशन को मेजर तो आपका वर्किंग नोट है वो अगर राइट रहेगा तो बाकी सारी चीजें आपकी राइट रहेगी थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे थैंक यू बाय बाय टेक केयर